हेलो बच्चों। दोस्तों, जैसे जंग के मैदान में हर अस्त्र शस्त्र की अपनी पावर होती है, वैसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में, इस मायावी दुनिया में हर एलिमेंट की अपनी पावर है। तो आज वक्त हो गया है एलिमेंट्स की दुनिया को जानने का, पीरियोडिक टेबल को जानने का। हम एक बेहतरीन अंदाज में पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे और इस चैप्टर से ही आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और केमिस्ट्री में आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस बेहतरीन चैप्टर को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमें इस सेशन में एक ऐसे चैप्टर को स्टार्ट करना है जो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, यानी इस चैप्टर को आपको अंडरस्टैंड करना ही होगा, तभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आगे और चैप्टर्स को एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना होगा। तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात की जाएगी, किस प्रकार से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, क्या थीम होगा एलिमेंट्स को अरेंज करने के पीछे। हमें यह जानना होगा कि हम कैसे एलिमेंट्स को अरेंज करें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बन पाए। हमें एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना होगा और इस प्रकार से अरेंज करना होगा ताकि एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर। जी हाँ, एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर इन ए टेबुलर फॉर्म। और इसी टेबुलर फॉर्म को क्या बोलेंगे, मायावी पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। देखिए, टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने अलग अलग स्टेप उठाए और इस टेबल तक, इस मायावी टेबल तक पहुंच पाए जिसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक आने के लिए हमें काफी सारे साइंटिस्ट की अलग अलग बातें सुननी होगी ताकि उनके विचार जानकर हम जान पाएंगे इस टेबल को बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगी है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सर लेवोजियर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। सर लेवोजियर ने ज्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, उन्होंने एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या इन दो कैटेगरीज के अलावा कोई तीसरी कैटेगरी भी होती है? हाँ, होती है। आज हम जानते हैं मेटलॉइड्स भी होते हैं, लेकिन सर लेवोजियर नहीं जानते थे। उन्होंने क्या किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू कैटेगरीज में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। उस टाइम एलिमेंट्स कम एग्जिस्ट करते थे तो क्लासिफिकेशन हो भी पाई। जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, वैसे वैसे सर लेवोजियर के लिए ये जस्टिफाई कर पाना कि दो ही कैटेगरीज में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है और इस टाइप के ग्रुप को हम एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन आगे जैसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, लेवोजियर का एक कॉन्सेप्ट फेल हो गया। लेकिन हमें जानना तो होगा सर लेवोजियर की अप्रोच क्या थी। देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दो कैटेगरीज में सर लेवोजियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और लेवोजियर के अकॉर्डिंग मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। जी हां, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, मेटल्स की इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी होगी। उन्होंने कहा कि जैसे कोई भी मेटल एटम है, ये एक्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा एटम, और कोई नॉन मेटल एटम एन वाई इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो देखिए इस प्रकार से नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को उन्होंने यूज किया। उनके अकॉर्डिंग मेटल्स क्या है, हार्ड है लेकिन ब्रिटल नहीं है। क्या सभी मेटल्स हार्ड हैं? जी नहीं, मरकरी देख लीजिए, मरकरी एक्सेप्शन है, सभी मेटल्स हार्ड नहीं है, ये बात भी बिल्कुल गलत थी। और ये देखिए, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, क्या ये बात बिल्कुल सही है? डायमंड कोई देख लीजिए आप, कार्बन डायमंड हार्ड है। इसके अलावा और देखिए, और भी काफी सारे नॉन मेटल्स ऐसी होंगी जो क्या होंगी, हार्ड होगी, इतनी सॉफ्ट तो नहीं होंगी जितना लेवोजियर ने माना था। कार्बन डायमंड, यहां पर आप इसका एक एक्सेप्शन नोट कर सकते हैं, कार्बन डायमंड इज नॉट सॉफ्ट,
इज हार्ड इन नेचर, ये हार्ड है, ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है। यहां से हमें ये पता चलता है सर लेवोइजर की अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं थी। यहां देखिए, इस तरफ अगर बात की जाए एक्सेप्शन की, मर्करी इज एन एक्सेप्शन, मर्करी इज एन एक्सेप्शन, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया है। सर लेवोइजर ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। देखिए और देखेंगे क्या डिफरेंस होंगे। दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी एक्सेप्शन है। जैसे ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है, इसकी पूरी माया को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानेंगे। देखिए कार्बन ग्रेफाइट क्या हुआ, एक्सेप्शन हुआ, यह आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया है। ऐसा कुछ लेवोइजर ने नहीं बताया था, कार्बन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखिए, देखिए मेटल का होगा मेटालिक लस्टर लेकिन नॉन मेटल का लस्टर नहीं होगा, चमक नहीं होगी। इसके बारे में आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताया जाएगा, डिटेल इसकी बाद में जानेंगे। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी देखिए मेटल की, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मीनिंग क्या है, जब किसी मेटल को किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो टन 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 ऐसी साउंड आती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी बोला जाता है। लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स एग्जिबिट नहीं करती है। देखिए जैसे ही और एलिमेंट्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेटल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉन मेटल्स डिस्कवर हुई, तो लेवोइजर का एक कॉन्सेप्ट फेल हुआ। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ मेटल्स को कैसे रखा जा सकता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ सभी नॉन मेटल्स को कैसे रखा जा सकता है, इसको और ज्यादा सिस्टमेटिक बनाना होगा। तो हुआ ये, लेवोइजर ने हार मान ली। लेवोइजर का एक कॉन्सेप्ट सभी टाइप की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को इस प्रकार से एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करने में कामयाब नहीं हुआ। तो देखिए यहां पर हमें नोट करना होगा, लेवोइजर कॉन्सेप्ट वाज फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ several other elements including metalloids। देखिए metalloids ऐसे elements हैं जिनकी properties metal से भी resemble होगी, non metal से भी resemble होगी। ऐसे elements को कहां पर arrange किया जाए, ये बात लेवोइजर की समझ से बाहर हुई, लेवोइजर ने हार मान ली। इसके बाद देखिए और साइंटिस्ट आए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग रूल, अलग अलग हाइपोथेसिस प्रपोज किए। इसमें देखिए एक थे फेमस साइंटिस्ट सर प्राउस्ट ने क्या किया, आइए इनकी बात जानते हैं। सर प्राउस्ट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को किस प्रकार से क्लासिफाई करना चाहिए, सर प्राउस्ट का क्या कहना था, देखिए बिल्कुल गलत कहना था, जो भी कहना था, लेकिन हमें सुनना तो होगा, आगे तो बढ़ना होगा। देखिए ही सिंपली अज्यूम दैट ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। इनका मानना था दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन से बने होंगे। ऐसा क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो वी कैन से दैट एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। उनका मानना था एन क्या हो सकता है, एन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सोन, ऐसी कोई इंटीग्रल वैल्यू होगी एन की, और इस एन को पुट करते जाएंगे हमें दूसरे एलिमेंट का मास मिलता जाएगा। उनसे पूछा कैसे, उन्होंने कहा देखिए अगर आप एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको करना बस ये है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को
मल्टीप्लाई करना होगा 16 से, यानी 16 इंटू 1। यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे नाइट्रोजन के लिए भी आप एटॉमिक मास को इसी अंदाज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू n इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए n क्या हो जाएगा, यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 14। उन्होंने कहा 14 इंटू 1, n यहां पर 14 होगा। इस प्रकार से आप नाइट्रोजन को भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये 14 हाइड्रोजन से बना होगा, एंड ऑक्सीजन को भी मान सकते हैं ये 16 हाइड्रोजन से बना होगा। दुनिया में कोई भी एलिमेंट हुआ इनके अकॉर्डिंग ऐसे ही हम मान सकते हैं, एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास भी हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे और उसको भी मान लेंगे कि हाइड्रोजन से बना होगा। क्या सच्चाई ये है? बिल्कुल नहीं है। काफी टाइम इन्होंने बेवकूफ बनाया कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एक्चुअल केस तो कुछ और ही है। क्या इसके भी ड्रॉबैक होंगे और लिमिटेशन होगी? बिल्कुल होगी। इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है कि एलिमेंट्स बने होंगे बहुत सारे हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से। अगर ऐसा होता ही बहुत बड़ा मायावी कॉन्सेप्ट होता केमिस्ट्री की दुनिया में, रसायन लीला में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसका फर्स्ट ड्रॉबैक हम क्या नोट करेंगे, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन। और पॉइंट नंबर 2 में, इस बी में तो आपको मजा ही आ जाएगा, द एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड एज होल नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या माना था सर प्राउस्ट ने, 1 माना था। अब देखिए हाइड्रोजन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम को कट नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे क्लोरीन का एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल मिलता है, स्ट्रोंटियम का फ्रैक्शनल मिलता है, काफी सारे और एलिमेंट्स का भी एटॉमिक वेट क्या मिलता है, फ्रैक्शनल मिलता है। इस बात का जवाब प्राउस्ट के पास नहीं था, यानी ये कॉन्सेप्ट भी क्या हुआ, फेल हुआ। अगर ये कॉन्सेप्ट फेल हुआ तो चलिए इसके बाद आगे चलना होगा और बात करनी होगी डोबरनियर या फिर डोबरिनर, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इनको पुकार सकते हैं। ये देखिए सर डोबरिनर आपके सामने है या डोबरनियर आपके सामने है, ये देखिए स्माइलिंग फेस आपके सामने है। इनका क्या कहना था, चलिए इनकी बात सुनते हैं, इनका क्या कहना था। इनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को 3 एलिमेंट्स के एक ग्रुप में अरेंज करना होगा इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू मीन एटॉमिक वेट ऑफ रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स। सच ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोबरिनर ट्रायड। इनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को इस प्रकार से 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में अरेंज करना चाहिए और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। जैसे हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी, इसका एटॉमिक मास क्या है, एम ए है, इसका एटॉमिक मास क्या है, एम बी है, इसका एटॉमिक मास क्या है, एम सी है। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या था, देखिए एम ए से एम बी ग्रेटर होगा, एम बी से एम सी ग्रेटर होगा, ये कंडीशन होगी। और साथ में इन्होंने कहा कि ऐसे ट्रायड में उन्हीं एलिमेंट्स को प्लेस किया जा सकता है जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, और साथ में प्रॉपर्टीज उन्हीं एलिमेंट्स की सिमिलर होंगी इनके अकॉर्डिंग जिन एलिमेंट्स के लिए ये बात वैलिड है, एम बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम सी डिवाइड बाय 2, और एम बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एम ए प्लस एम सी डिवाइड बाय 2। यानी इनके एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन इस मिडल एलिमेंट की एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली क्या हो, इक्वल हो या फिर एग्जैक्टली इक्वल हो। जी हां, मेरी बात का मतलब यह है कि अगर एम बी की बात की जाए तो एम बी क्या होगा, एम ए प्लस एम सी डिवाइड बाय 2 होगा, या तो एग्जैक्टली इक्वल होगा या फिर मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, एम बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, ये देखिए एम ए प्लस एम सी डिवाइड बाय 2 की। और इन 3 एलिमेंट की इस ग्रुप को क्या बोल देंगे, इसको बोला जाएगा ट्रायड, डोबरनियर और डोबरिनर ट्रायड। ये देखिए
ए बी सी, तीन एलिमेंट के इस ग्रुप को क्या बोल दिया, इसको बोल दिया गया ट्राइड। एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज मस्ट फॉलो डोबर इनर ट्राइड। ये किसका मानना था, डोबर नियर और डोबर इनर का मानना था। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हमें काफी सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई करना है और ये चेक करना है क्या वाकई में इस बात में पूरी सच्चाई है। देखिए सच्चाई तो नहीं है, तभी तो लास्ट में जाकर हम कौन सी टेबल को इतनी तवज्जो देंगे कि हम उसी टेबल को ही सब कुछ मान लेंगे, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस मान लेंगे। दैट टेबल इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए वहां तक जाने में जो भी हिस्ट्री रही, जैसी भी रही, उसको हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है, इस पार्ट से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो देखिए डोबर इनर ने या डोबर नियर ने क्या किया, किस प्रकार से, किस बेहतरीन अंदाज में ट्राइड बनाए। देखिए लिथियम सोडियम पोटासियम का एक ट्राइड बनाया गया, चेक करते हैं इसकी वैलिडिटी को, चेक करते हैं। देखिए कैसे वैलिडिटी कैसे चेक की जा सकती है, इसका मास क्या होगा, ये देखिए ये होगा एम ए, ये क्या होगा एम बी होगा, ये होगा एम सी। यहां देखिए अगर बात की जाए एम बी की, एम बी क्या होना चाहिए, देखिए एम बी होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग एम ए प्लस एम सी डिवाइड बाय टू, ये इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। देखिए एम ए क्या है, सेवन है, सेवन प्लस 39 डिवाइड बाय टू, ये यहां से मिलता देखिए 23। क्या मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास 23 है, बिल्कुल है, यानी ये बात डोबर नियर और डोबर इनर के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट थी। और देखिए एक और ट्राइड आपके सामने है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम का ट्राइड आपके सामने है, ये एम ए है, ये एम बी है, और ये क्या है, ये एम सी है। आइए यहां इसको फिट करते हैं इसी रिलेशन में, इस बात को फिट करते हैं, क्या फिट होगी एम ए प्लस एम सी डिवाइड बाई टू, क्या एम बी के इक्वल है, चेक कीजिए क्या इन दो एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन इसके इक्वल है, क्या एम ए प्लस एम सी डिवाइड बाई टू एम बी के इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है तो भी काम बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो भी काम बन जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए। और इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका हमें एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास मिलना चाहिए। देखिए ध्यान से एम ए क्या है, 8 है, 8 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, 48 बाय 2, ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ 24। और ये देखिए मैग्नीशियम 24 एटॉमिक मास के साथ बीच में डोबर इनर ट्राइड में ये एग्जिस्ट करता है, यानी ये बात बिल्कुल फिट हो गई है डोबर इनर ट्राइड के अकॉर्डिंग। इन तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, क्या होती हैं, बिल्कुल होती हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, क्या होती हैं, बिल्कुल होती हैं, तभी तो डोबर नियर के स्ट्राइड में इन तीन एलिमेंट्स को रखा गया है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। लिथियम सोडियम पोटासियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। आगे चलते हैं, एक और ट्राइड आपके सामने है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ट्राइड, ध्यान से देखिए ये एम ए है, ये क्या है एम बी, ये क्या है एम सी, एम ए एम बी एम सी, इस प्रकार से देखिए इनके एटॉमिक मास है, इस प्रकार से मैंने इनको इंडिकेट किया है एम ए एम बी और ये है एम सी। देखिए क्या करना होगा, क्या एटॉमिक मासेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस बिल्कुल है, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं एम ए प्लस एम सी डिवाइड बाय टू, चेक कीजिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के एटॉमिक मासेस हमारे सामने हैं। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक मास एम ए 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास 127 प्लस 127 डिवाइड बाय टू, देखिए टू से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है 81.25 मिलता है, यानी मीन एटॉमिक मास इन दो एलिमेंट्स का किसके इक्वल है, ये देखिए
मिडल एलिमेंट ब्रोमीन के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल हो या अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, इस प्रकार से प्रॉपर्टीज रिजेंबल करने चाहिए और एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मीन एटॉमिक मास मिडल एलिमेंट की एटॉमिक मास के एग्जैक्टली इक्वल हो भी सकता है और अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आपने नोट कर लिया है। अब देखिए डोबरनियर और डोबर इनर ट्रायड में और कौन से एलिमेंट्स है, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, एटॉमिक मास आपके सामने है। आइए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, Mb इज इक्वल टू Ma प्लस Mc डिवाइड बाय 2। क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आइए इसकी बात करें। Ma क्या है, ये देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास Ma है, स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास Mb है, बेरियम का एटॉमिक मास Mc है। देखिए ध्यान से Ma प्लस Mc 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2। यहां से देखिए मीन एटॉमिक मास आपको क्या मिलता है, ये आपको मिलता है 88.5। मीन एटॉमिक मास यहां से आपको क्या मिलता है, 88.5 मिलता है। आई होप आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाए होंगे। इस प्रकार से 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2 से आपको भी 88.5 ही मिल रहा होगा। अगर ऐसा है तो देखिए 88 के काफी क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है। इन एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है और इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो ये एलिमेंट्स डोबर नियर और डोबर इनर ट्रायड में बिल्कुल फिट हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, यानी ये एलिमेंट्स भी एग्जाम्पल हैं डोबर इनर और डोबर नियर ट्रायड के। इन सभी एलिमेंट्स को याद कीजिए, ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, कौन से एलिमेंट्स डोबर इनर ट्रायड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए आपको याद होना चाहिए कंडीशन के साथ। देखिए डोबर नियर और डोबर इनर ट्रायड सिस्टम के साथ आगे चलते हैं और बात करनी होगी हमें कुछ और एलिमेंट्स की। इस ट्रायड सिस्टम में देखिए सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम का केस आपके सामने है। इसका एटॉमिक मास Ma से रिप्रेजेंट किया, इसका एटॉमिक मास Mb से, और इसका एटॉमिक मास मैंने Mc से रिप्रेजेंट किया। इनकी प्रॉपर्टीज क्या सिमिलर होती है, जी हाँ इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। क्या डोबर नियर और डोबर इनर ट्रायड सिस्टम की ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, Mb इज इक्वल टू Ma प्लस Mc डिवाइड बाय 2 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Ma प्लस Mc डिवाइड बाय 2। आइए चेक करें इसको, Ma कितना है 32, Mc 127। देखिए 32 प्लस 127 डिवाइड बाय 2, यहां से मीन एटॉमिक मास इन दो एलिमेंट्स का सल्फर एंड टेल्यूरियम का क्या है, यहां पर सेलेनियम के एटॉमिक मास के इक्वल है या अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ये हमें मिलता है यहां से 79.5। जी हां ये सेलेनियम के एटॉमिक मास के क्लोज है, इक्वल होगा या क्लोज होगा तब हम बोलेंगे कि डोबर नियर ट्रायड सिस्टम की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इस ट्रायड को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हैं, सिमिलर हैं, तो ये होगा डोबर नियर और डोबर इनर ट्रायड। आइए बात करें एक और ट्रायड की, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। देखिए फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31, आर्सेनिक का एटॉमिक मास 75, एंटीमनी का एटॉमिक मास 120। चेक करना होगा, कैसे चेक करना होगा, देखिए कंडीशन हमारे पास है Mb इज इक्वल टू Ma प्लस Mc डिवाइड बाय 2। अदर टू एलिमेंट्स का मीन एटॉमिक मास, अदर टू एलिमेंट्स का मीन एटॉमिक मास या तो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। देखिए इस केस में क्या करेंगे, Ma प्लस Mc डिवाइड बाय 2, इसके लिए 31 प्लस 120 बाय 2 करना होगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से हमें मीन एटॉमिक मास मिलता है 75.5, जो कि क्लोज है आर्सेनिक के एटॉमिक मास के। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है और साथ में ये बात भी सेटिस्फाई होती है, तो ये भी क्या होगा डोबर नियर और डोबर इनर ट्राइड होगा। आगे देखिए हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, इस प्रकार से इस बेहतरीन अंदाज में डोबर इनर ट्राइड में क्या अरेंज किए जा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से
एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी? Mb इज इक्वल टू Ma प्लस Mc डिवाइड बाय 2। यहां देखिए Ma क्या है, 1 है, Mc क्या है, 35.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से Mb क्या मिलता है, Mb आपको मिलता है इसके अकॉर्डिंग, यानी मीन एटॉमिक मास इन दो एलिमेंट्स का आपको क्या मिलता है, 18.25 मिलता है। यानी ये काफी क्लोज है, किसके क्लोज है, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट फ्लोरीन के क्लोज है। अगर ये मीन एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट के क्लोज है और इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर भी हैं, तो क्या ये डोबर नियर और डोबर इनर ट्राइड होगा? बिल्कुल होगा। एक और देखिए ट्राइड आपके सामने है, स्कैंडियम, यटीरियम, लेंथेनम, ये एलिमेंट्स आपके सामने हैं। और यहां पर भी देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट यहां पर सेटिस्फाई होगी, क्या Mb Ma प्लस Mc डिवाइड बाय 2 के इक्वल होगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। Ma क्या है देखिए, Ma इस केस में स्कैंडियम का एटॉमिक मास है, Mb क्या है ये देखिए, यटीरियम का एटॉमिक मास है, Mc क्या है, लेंथेनम का एटॉमिक मास है। क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देख लेते हैं, देखने में क्या बुराई है, 45 प्लस 139 डिवाइड बाय 2। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहां से आपको क्या मिलता है, 92 मिलता है। मीन एटॉमिक मास क्या मिलता है, 92 मिलता है। देखिए 92 89 के क्लोज है, इतना अप्रोक्सीमेशन तो उस टाइम के हिसाब से चलता था, तो आज भी चलेगा। अगर इतना अप्रोक्सीमेशन पहले चलता था तो आज भी हमें उसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, इतना अप्रोक्सीमेशन आज भी चलेगा। इनकी प्रॉपर्टीज देखिए सिमिलर है, और डोबर नियर और डोबर इनर ट्रायड सिस्टम को ये कंडीशन सेटिस्फाई भी करती है, यानी ये डोबर नियर और डोबर इनर ट्रायड होगा। जी हाँ, ये सभी याद कर लीजिए, ये सभी क्या होंगे, डोबर नियर और डोबर इनर ट्रायड होंगे। इसके भी ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन होंगे, बिल्कुल होंगे ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन। अगर इसके ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन नहीं होते तो आज हम डोबर इनर के स्ट्राइड सिस्टम को ही पढ़ रहे होते और उनका बहुत बड़ा नाम होता केमिस्ट्री की दुनिया में, रसायन लीला में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि और ज्यादा सिस्टमेटिक है। चलिए वहां तक तो हमें जाना है, लेकिन उससे पहले बात करनी है इसकी लिमिटेशन क्या होंगी, क्यों होंगी। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने स्टार्ट हुई, वैसे वैसे ऐसा भी हुआ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को ट्रायड सिस्टम में रखा गया, यानी डोबर नियर और डोबर इनर की जो कंडीशन थी एलिमेंट्स को ट्रायड सिस्टम में रखने की, वह कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और ऐसा भी हो पाया कि जो एलिमेंट्स डोबर इनर और डोबर नियर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सभी एलिमेंट्स को इस प्रकार से सिस्टमैटिक मैनर में अकॉर्डिंग टू डोबर नियर और डोबर इनर प्लेस नहीं किया गया तो ये फिर फेल हो गया। तो देखिए यहां पर हमें ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस की वन बाय वन बात करनी होगी। पॉइंट नंबर वन, डोबर नियर कुड अरेंज ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स एज ट्रायड्स, एज देयर आर सम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ट्रायड हुज एटॉमिक वेट्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। जी हां, जिनके एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, कौन पहले आएगा कौन बाद आएगा, ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। यानी डोबर इनर और डोबर नियर ट्रायड सिस्टम में कंफ्यूजन होने स्टार्ट हुई जैसे जैसे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई। और ऐसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी के साथ देखिए काफी कंफ्यूजन बढ़ गई। जैसे आयरन का एटॉमिक मास आप जानते होंगे 56 है, कोबाल्ट का 59 है, निकल का 59 है, किसको पहले रखा जाए और किसको बाद में रखा जाए। डोबर नियर और डोबर इनर की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी। देखिए इसको पहले रखेंगे या बाद में रखेंगे, तब भी मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स के मीन एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। देखिए एक और ट्राइड आपके सामने है, रुथेनियम, इसका एटॉमिक मास आप जानते होंगे 101,
रोडियम इसका एटॉमिक मास 103, पैलेडियम इसका एटॉमिक मास 106। इसमें भी अगर हम एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं ट्रायड सिस्टम में तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन क्या इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल होती हैं? नहीं होती हैं। तो इसका क्या मीनिंग है? डोवर नियर और डोवर इनर का ट्रायड सिस्टम बिल्कुल फ्लोप हो गया। जैसे जैसे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, इन एलिमेंट्स को इस प्रकार से ट्रायड सिस्टम में अरेंज कर पाना डोवर इनर और डोवर नियर के लिए पॉसिबल नहीं था, तो इसको तो फ्लोप होना ही था। जी हाँ, इस हाइपोथेसिस को प्रैक्टिकल एक्सेप्टेंस मिल ही नहीं पाई। और लिमिटेशन देखिए, दिस रूल वाज नॉट फॉलोड बाय सम ट्रायड्स। जी हाँ, ऐसे भी ट्रायड्स थे जो डोवर इनर के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं थे, लेकिन प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स क्या थे? सिमिलर थे। जैसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल होती है, लेकिन दो एलिमेंट्स की मीन एटॉमिक मास के इक्वल नहीं है। लिथियम का एटॉमिक मास ना ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। कैसे? 1+23/2, ये क्या होगा? 12 होगा। ये क्या? 7 है। लेकिन प्रॉपर्टीज में क्या है? सिमिलर है। डोवर इनर और डोवर नियर की यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई। यहां भी देखिए, इन दो एलिमेंट्स की मीन एटॉमिक मास के इक्वल नहीं है सल्फर का एटॉमिक मास। कैसे? 79+16/2, ये कितना हुआ? ये हुआ 95। जी हाँ, ये 95/2 है। देखिए, 2 4 8 2 7 14 2 5 10, ये क्या? 47.5 है। और ये कितना है? 32 है। इस प्रकार से इन दो एलिमेंट्स का मीन एटॉमिक मास इस सल्फर के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं है, इनफैक्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है। इस प्रकार से डोवर इनर और डोवर नियर का ट्रायड सिस्टम फ्लोप हुआ। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें डोवर इनर और डोवर नियर ट्रायड सिस्टम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना होगा। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 39 एंड दैट ऑफ एलिमेंट जेड इज 132। एटॉमिक वेट ऑफ देयर इंटरमीडिएट एलिमेंट वाई एज पर डोवर इनर ट्रायड विल बी। देखिए, इंटरमीडिएट एलिमेंट वाई है, फर्स्ट एलिमेंट एक्स है, लास्ट एलिमेंट जेड है। इस प्रकार से एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको प्लेस किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इनको प्लेस किया गया है। तो देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास आपके सामने है। क्या ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर इस प्रकार से, सबसे पहले एलिमेंट एक्स होगा और इसका एटॉमिक मास कितना होगा आपके सामने? 39 होगा। इसका एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है, इसका एटॉमिक मास 132 गिवन है। देखिए क्या करना होगा, इन दो एलिमेंट्स का मीन एटॉमिक मास इस मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होना चाहिए या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। चलिए इसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए एम वाई को हमें कैलकुलेट करना होगा। एम वाई मस्ट बी इक्वल टू एम एक्स प्लस एम जेड डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू डोवर इनर और डोवर नियर ट्रायड सिस्टम। यहां से देखिए, एम एक्स क्या है? 39 है। एम जेड कितना है? 132 है, डिवाइड बाय 2। यहां से आपको एम वाई क्या मिलता है? 85.5 मिलता है। तो ध्यान से देखिए, इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आप भी इसके राइट आंसर तक पहुंच पाए होंगे। और इस प्रकार से अदर टू एलिमेंट्स का मीन एटॉमिक मास, अदर टू एलिमेंट्स का मीन एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा इन केस ऑफ डोवर इनर ट्रायड। आई होप इस कंडीशन को आप आगे भी अप्लाई करेंगे और बिंदास तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोवर इनर ट्रायड। ये हम देख चुके हैं, लिथियम सोडियम पोटासियम ये डोवर इनर ट्रायड होता है, ये भी हम देख चुके हैं, इसको भी हमने देखा है, लेकिन इसको हमने डोवर इनर ट्रायड में नहीं देखा है। वहां पर हमने काफी सारे ट्रायड्स की बात की थी। देखिए यहां पर ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। क्या यहां पर मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम है? बिल्कुल नहीं है। देखिए
मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम नहीं है, इसका मीनिंग है ये जरूर डोबर इन अ ट्रायड नहीं होगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो देखिए ऐसे वेरीफाई कर भी सकते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, जी हां, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास कितना होता है 88। इस प्रकार से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। चेक कीजिए यहां पर इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज आपको क्या मिलता है, देखिए 24 प्लस 88 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हुआ, ये हुआ 112 हुआ, देखिए 112 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हुआ 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 6s are 12, ये हुआ 56, कितना हुआ 56, और ये क्या है, ये 40 है, कैसे वैलिड होगा, बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। अगर वैलिड नहीं होगा डोबर इन अ ट्रायड के अकॉर्डिंग ये ट्रायड, ये तो इसका राइट आंसर होगा, जी हाँ ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि बेस्ड है डोबर इनर और डोबर नियर ट्रायड सिस्टम पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, द लोफ ट्रायड्स इज एप्लीकेबल टू, किस केस में ये लोफ ट्रायड्स एप्लीकेबल होगा। देखिए वैसे हम आंसर जानते हैं, हमने सभी ट्रायड्स को याद कर लिया है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन कंफ्यूजन ये होती है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक मास इसका 12, इसका 14, इसका 16। देखिए इन दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज और मीन केस मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल है, देखते हैं 12 प्लस 16 बाय 2 14, अरे ये क्या, इसके इक्वल है, लेकिन हमने इसको ट्रायड्स में इंक्लूड किया नहीं, तो क्या इसको इंक्लूड होना चाहिए, क्या ये भी डोबर नियर ट्रायड होगा, जी नहीं ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए डोबर इनर और डोबर नियर ट्रायड में इंक्लूड होने के लिए ये दो बातें जरूरी हैं, एमबी इज इक्वल टू एमए प्लस एमसी डिवाइड बाय 2, ये कंडीशन जरूरी है, क्या सेटिस्फाई हुई, जी हां सेटिस्फाई हुई, और साथ में एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर कैप्टन ट्राइड्स डोबर इनर ट्राइड्स। देखिए इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है, they do not have similar properties, इसीलिए इन एलिमेंट्स को डोबर इनर ट्रायड के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं माना गया, ये एलिमेंट्स डोबर इनर ट्रायड की फॉर्म में अरेंज नहीं हो सकते हैं। आई होप ये कहानी आपने अंडरस्टैंड की होगी, डोबर इनर ट्रायड्स की कौन कौन सी सफिशियंट एंड नेसेसरी कंडीशन है ये आपके सामने है, आई होप आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, न्यूलैंड भैया का क्या कंट्रीब्यूशन था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में, आइए इसकी बात करते हैं। न्यूलैंड भैया का मानना था एलिमेंट्स भी म्यूजिकल नोट्स को फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं, उनके अकॉर्डिंग देखिए अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, देन एवरी एट्थ एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट वन, जस्ट लाइक फर्स्ट एंड एट्थ नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल। देखिए म्यूजिकल स्केल की कौन कौन सी नोट्स हैं, ध्यान दीजिएगा म्यूजिकल स्केल की नोट्स देखिए ये हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, देखिए सा सबसे पहले नंबर पर भी है और एट्थ नंबर पर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और इस प्रकार से एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो होगा क्या, तो इस केस में होगा ये कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी सिमिलर अकॉर्डिंग टू
न्यूलैंड भैया, फिर चेक भी किया गया कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही ट्रेंड फिट होगा। यानी एलिमेंट्स भी म्यूजिक के प्रेमी हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात इतने एलिमेंट्स के लिए फिट हो गई, ये बात कुदरत के करिश्मे जैसी हो गई। जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट का कोई बेस मजबूत नहीं था। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं, अगर बेस मजबूत होगा तो आप अपने कॉन्सेप्ट की एक बहुत बड़ी मंजिल डिजाइन कर पाएंगे, बना पाएंगे। आपको भी तो आर्किटेक्ट बनना है, तो बड़ी मंजिल बनानी है तो इसके लिए बेस मजबूत होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का बेस मजबूत नहीं था। जैसे ही कैल्शियम के बाद और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया, ये हाइपोथेसिस फेल हो गया। देखिए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो गया, इसको कोई भी प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस और एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई। कैल्शियम के बाद हैवियर एलिमेंट्स के केस में ऐसा ट्रेंड फॉलो नहीं होगा, यानी एलिमेंट्स म्यूजिकल नोट्स को फॉलो नहीं करते हैं। न्यूलैंड का बेस बिल्कुल भी मजबूत नहीं था, यानी जैसे ही एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, न्यूलैंड ने हार मानना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी हार न्यूलैंड की तब हुई जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई। इनर्ट गैसेस को आप जानते हैं, देखिए इनर्ट गैसेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में है, हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा। इनके बारे में डिटेल में हमारा होगा डिस्कशन। देखिए पॉइंट नंबर वन क्या है, ड्रॉबैक और लिमिटेशन में दिस क्लासिफिकेशन कुड बी बेस्ट अप्लाइड अप टू एलिमेंट कैल्शियम। ये क्लासिफिकेशन कैल्शियम तक तो वैलिड थी, लेकिन बाद में वैलिड नहीं हुई, हैवियर एलिमेंट्स के केस में ऐसा ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ, सब गोलमाल हो गया। इट वॉज फेल्ड इन केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, हैवियर एलिमेंट्स के केस में ये क्लासिफिकेशन फेल हुई। देखिए इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी के बाद इस क्लासिफिकेशन की जड़ें हिला दी, यानी न्यूलैंड अपनी बात पर नहीं टिक पाए और न्यूलैंड ने भी हार मान ली। न्यूलैंड ने हार मान ली तो क्या हुआ, देखिए न्यूलैंड ने हार मान ली तो क्या होगा, न्यूलैंड ने हार मान ली तो आगे चलना होगा, आगे हमें इस अधूरी कहानी को पूरा करना होगा और हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचना होगा। इस सफर के अंदर हमें काफी सारी बातें सुननी होगी, कॉन्सेप्ट सुनने होंगे, हाइपोथेसिस सुनने होंगे। चलिए उससे पहले, आगे हम किसी और कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें, उससे पहले हमारे सामने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स ओबेज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहां तक एप्लीकेबल होगा, कैल्शियम तक होगा, बिल्कुल होगा, कैल्शियम तक एप्लीकेबल होगा। क्या रुबिडियम तक एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल नहीं, रुबिडियम तक एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या ब्रोमीन तक एप्लीकेबल होगा, जी नहीं। क्या गैलियम तक होगा, जी नहीं। कैल्शियम के बाद आएगा रुबिडियम, ब्रोमीन, गैलियम, यानी इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 3 हुआ इसका राइट आंसर। आई होप आप भी इसके राइट आंसर तक पहुंच पाए होंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर न्यूलैंड ऑक्टेव रूल इज नॉट एप्लीकेबल। किसके लिए न्यूलैंड का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, जी हां कैल्शियम तक होगा। देखिए कैल्शियम के बाद है ब्रोमीन, इस तक एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी ऑप्शन 4 हुआ इसका राइट आंसर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी मजेदार होते हैं, काफी कम टाइम में इन क्वेश्चंस को एक बेहतरीन अंदाज में आप सोल्व कर सकते हैं, यानी टाइम तो सेव होगा ही अगर आपको पूरी बात पता है, साथ में पेपर में कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा, जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। देखिए हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की इस कड़ी में हमें क्या जानना है, हमें आगे जानना है लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व क्या है इसको हम जानेंगे, मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या है इसको भी जानेंगे। तो नेक्स्ट सेशन का आपको इंतजार करना होगा, नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से आप सभी के बीच पूरी एनर्जी के साथ प्रकट हो जाऊंगा और हमारी एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ये सफर ऐसे ही कटता चला जाएगा मेरे दोस्तों, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।